सामने देखिए महिलाओं को किस तरीके से घसीटते हुए पकड़कर ठूसा जा रहा है बसों में। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं, ये देखिए किस तरीके से महिलाओं को जानवरों की तरह ठूस कर ले जाया जा रहा है बसों में, इंसान नहीं जानवर हो जैसे। सामने देखिए कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं, किस तरीके से ले जाया जा रहा है। ये देखिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं, पकड़ पकड़ के घसीट घसीट कर ले जाया जा रहा है। जो ऑफिस है यूथ कांग्रेस का, वहां पर किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है महंगाई को लेकर, सामने आप देख सकते हैं। यहां बैरिकेडिंग जो है पहले से कर दी गई थी, इनको यहीं पर ही ऑफिस में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। सामने आप देख सकते हैं पूरी पुलिस टुकड़ी मौजूद है और यहां पुलिस की गाड़ी भी मौजूद है। सामने आप देखिए सिलेंडर की छवि लेकर एक सिलेंडर लिए खड़ा हुआ व्यक्ति और श्रीनिवास जी है। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं बीवी श्रीनिवास जी जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लगातार यह महंगाई को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। आप सामने सीधे तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जो लगातार भीड़ जुट चुकी है, वो आप देखिए किस तरीके से खाने पीने की चीजों को लेकर महंगाई बढ़ती जा रही है। GST लगा दिया गया है लगातार, उसी को लेकर आज यूथ कांग्रेस जो है प्रदर्शन करने वाला था, लेकिन उनको प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें बाहर निकलते ही यहां पर डिटेन का जो माहौल है वो आप देख सकते हैं बना दिया गया है और सामने बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये तस्वीरें आप सीधे सीधे देख सकते हैं। सामने श्रीनिवास खड़े हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सिलेंडर जो है उसकी छवि को लेकर खड़े हुए हैं। किस तरीके से सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पहले पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, उसके बाद खाने पीने की चीजें लगातार महंगी कर दी गई, अब उस पर उसी को लेकर यहाँ आज यूथ कांग्रेस ने जो है धरना प्रदर्शन किया। और देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से बैरिकेड किए हुए हैं और बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए ये लोग कोई और नहीं, यूथ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है जो आज महंगाई को लेकर रोडों पर उतर चुके हैं। सामने है, सामने ये तस्वीरें, ये देश की तस्वीरें हैं, ये आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कोई शिक्षा की बात करता है या शिक्षा के मुद्दे उठाता है तो कैसे उनको लगातार यहाँ पर डिटेन करने की नौबत आ जाती है, पुलिस की गाड़ियाँ तैयार हो जाती हैं, काफ़ी तादाद में अब पुलिस फोर्स मौजूद है, सामने CRPF के जवान हैं, वो सभी मौजूद हैं। और सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर सिलेंडर की एक छवि को लेकर लगातार यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं, देखिए आप किस तरीके से, ये देखिए इनकी बैरिकेडिंग कर दिया गया है। श्रीनिवास सामने आप देख सकते हैं, श्रीनिवास है बीवी श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, पुलिस वाले उनको किस तरीके से यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। आप देखिए सामने, ये सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से महंगाई को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन जो है ये प्रदर्शन बड़ा शांतिपूर्वक था, बस उसको लेकर महंगाई को लेकर आक्रोश था लोगों में, उसी के चलते यहाँ पर जो है पुलिस पूरी मौजूद है, पूरी पुलिस की गाड़ियां मौजूद है। सामने आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से अब लोगों को डिटेन किया जा रहा है, लगातार पुलिस जो है इनको कॉलर पकड़कर नीचे उतारते हुए घसीटते हुए लेके जा रही है। सामने तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये देखिए सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आज देश के हालात इस तरीके से बना दिए गए हैं कि कोई किसी चीज का विरोध भी नहीं कर सकता। इस सामने तस्वीरें देखिए पुलिस वाले किस तरीके से पकड़ कर ले जा रहे हैं, एक एक को बसों में भर रहे हैं, ठूस रहे हैं। ये तस्वीरें ये बयां करती है कि जिस तरीके से भारत में देश में महंगाई को लेकर, ये सामने देखिए महिलाओं को किस तरीके से घसीटते हुए पकड़कर ठूसा जा रहा है बसों में। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं कैसे महिला को, ये देखिए कैसे महिला को ले जाया जा रहा है, अंदर डिटेन कर दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि महंगाई का जो महंगाई बढ़ चुकी है उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था। और उसी के चलते यहाँ पर देखिए किस तरीके से डिटेन किया जा रहा है, बसों में भरा जा रहा है, ठूसा जा रहा है जानवरों की तरह। आप सामने देख सकते हैं अब जो है देश में कोई विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकता है, किसी महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर भी प्रदर्शन नहीं कर सकता है। किस तरीके से पकड़ पकड़ कर उठा उठा कर अंदर
फेंका जा रहा है, जैसे किसी सामान को फेंका जा रहा हो सामने। आप देख सकते हैं, ये देखिए सामने तस्वीर है, आपके सामने है पूरा कमर तोड़ महंगाई पर, जिस तरीके से जो फिर से महंगाई ने इंसान की कमर तोड़ दी है, खाने के लाले पड़े हुए, जहाँ रोजगार नहीं है वहाँ लगातार इस तरीके से महंगाई को लेकर आज यूथ कांग्रेस ने जो है प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया अपने यूथ कांग्रेस ऑफिस में ही। मगर यहाँ पर उन्हें लगातार बैरिगेटिंग करके जो है डिटेन कर लिया गया। सामने तस्वीरें देख सकते हैं, बसों में भर के ले जाए जाने वाले ये युवक कोई आ नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है। सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं को भी पकड़ पकड़ कर ले जाया जा रहा है, और सामने किस तरीके से सामने जो बैरिगेटिंग पर चढ़े हुए ये युवा है, ये आज की तस्वीर है, आज के भारत की तस्वीर है। आप सामने देखिए किस तरीके से महिलाएं महंगाई को लेकर, जो कमर तोड़ महंगाई हो चुकी है खाने पीने की चीजों को लेकर, अब जो है उनको लगातार डिटेन किया जा रहा है। सामने तस्वीरें देखिए, ये देखिए किस तरीके से महिलाओं को जानवरों की तरह ठूस कर ले जाया जा रहा है बसों में, इंसान नहीं जानवर हो जैसे। सामने की तस्वीरें हैं जो अभी बयां करती हैं कि भारत देश की एक नई तस्वीर गढ़ी जा रही है, जो आज विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकती है, वो भी महंगाई को लेकर और अपने मुद्दों को लेकर। लेकिन ये सामने आप देखिए किस तरीके से यहाँ सभी लोग मौजूद होकर एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है भर भर कर ले जाया जा रहा है गाड़ियों में भर कर ले जाया जा रहा है। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस की गाड़ियां सारी सामने खड़ी हुई है, सीआरपीएफ के जवान हैं, सारी पुलिस टुकड़ी मौजूद है, महिलाएं तक बैरिगेटिंग पर चढ़ी हुई है, उनको पकड़ पकड़ कर गाड़ियों में डाला जा रहा है। जिस तरीके से दूध दही पनीर के दाम पर महंगाई कर दी गई है, जीएसटी बढ़ा दी गई 5%, और वही हीरा जो है 1.5% जो है 1.5% की जीएसटी लगाई गई है हीरे पर। सोचिए इंसान खाना खाएगा या हीरा खरीदेगा, जब इंसान के पास रोजगार नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो वो हीरा खरीदेगा या अनाज खाएगा। तो देश की ये तस्वीरें हिला देने वाली है। सामने आप देख सकते हैं महंगाई को लेकर प्रदर्शन हो रहा है किस तरीके से, ये देखिए सामने देखिए कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं, किस तरीके से ले जाया जा रहा है, ये देखिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं, पकड़ पकड़ के घसीट घसीट कर ले जाया जा रहा है सिर्फ और एक विरोध प्रदर्शन के चलते। यहाँ पर इनको बसों में भरा जा रहा है। आपके ये सामने तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से, ये तस्वीरें आपके दिल को दहला देंगी। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं, इसी भारत देश की है, जो सामने आप देख रहे हैं युवा को घसीटते हुए किस तरीके से पकड़ के ले जाया जा रहा है। और यहाँ आप ये देखिए कि कोई भी जो नेशनल मीडिया है वो आपको यहाँ नहीं दिखेगा, नेशनल मीडिया यहाँ उनके लिए खबर ही नहीं है, महंगाई उनके लिए कोई खबर नहीं है। सामने देखिए किस तरीके से ये कपड़े फाड़ दिए गए हैं, जानवरों की तरह उन्हें ले जाया गया है। ये नरेंद्र मोदी भारत की पुलिस है, नरेंद्र मोदी की पुलिस नहीं है, मैं बता रहा हूँ नरेंद्र मोदी की पुलिस है, भारत की पुलिस नहीं है। अगर भारत की पुलिस होती तो ऐसा नहीं करती हमारे साथ। क्या 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 हुआ है, आप डिटेन कर जी, हमें डिटेन करके अभी ये नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई यहाँ रुकने वाली नहीं है। हम युवा की आवाज भारतीय युवा कांग्रेस पार्टी उठाते रहेगी जब तक युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, जीएसटी का दाम कम नहीं होगी, जब तक हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। सामने देखिए इनकी खता कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ महंगाई का विरोध करना इनकी खता है, क्या कुछ हुआ मैम? आज देश के अंदर 2014 से सरकार झूठ बोल के बैठी हुई है, सिर्फ 3 उद्योगपति के घर पड़ रहे हैं। जय शाह से क्यों नहीं पूछा जाता कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है? आज जनता की, आप लोग जितने मीडिया वाले हो, हम लोगों के घर के अंदर ये परेशानी हो रही है। 1050 का सिलेंडर हम लोग ले रहे हैं, 350 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था कांग्रेस की सरकार में, वो हमारे राहुल गांधी है जो कोविड में सड़कों पे आए थे, अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, हमारे श्रीनिवास जी दिन रात लगे रहे कोविड के लोगों के घरों में। आप बताइए भाजपा का कौन सा नेता सड़क पर निकल गया? हम लोग थे कांग्रेस पार्टी थी जिसने 70 साल पहले भी लड़ाई लड़ी थी, और आज भी हम लोग इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में आप लोग सब हमारे साथ में हैं। अरे नाम बता दीजिए, नाम नाम बता दीजिए, नाम क्या नाम आपकी? भार्गव, ना
नेशनल सेक्रेटरी। यह देखिए किस तरीके से नेशनल सेक्रेटरी थी उनको भी जो है डिटेन कर लिया गया। लगातार यहाँ पर जो महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था उसी के चलते यहाँ लोगों को भर लिया जा रहा है जानवरों की तरह। ये उस भारत देश की तस्वीर है जब विरोध करना अब जो है गुनाह हो गया है। लगातार जो लोग अगर सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उनको किस तरीके से डिटेन कर लिया जाता है, किस तरीके से बसों में भर लिया जाता है, ये तस्वीरें आपने देखी। सामने आप देख सकते हैं बैरिकेड किया हुआ है और यहीं से जो है इनका जो जितनी यहाँ पर प्रदर्शन का जो कूच करना था वो यहीं से इन्होंने किया था, यहीं से चालू किया था और उसके बाद इनको यहाँ से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ मैं, बस यहाँ से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया और सामने बैरिकेटिंग कर दिया गया लगातार। जिस तरीके से ये देखिए बसों में भर कर पूरी तैयारी के साथ इधर से उधर तक पूरी रोड आप देख सकते हैं बैरिकेट की गई है और जो यहाँ पर सारी पुलिस टुकड़ी मौजूद है। ये देखिए पैर सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं को घसीट घसीट कर लेकर जाया जा रहा है और उसके बाद जो है पुलिस वाले अब गाड़ी में लेकर जा रहे हैं। शायद अब जो है विरोध प्रदर्शन कोई यहाँ कर नहीं सकता। ये सामने तस्वीरें हैं आपके सामने, ये देखिए किस तरीके से घसीटते हुए मारपीट करते हुए ले जाया जा रहा था। शायद उनको चोट पहुँची है इसलिए अब पुलिस वाले जो है ये अब लेकर जा रहे हैं। किस तरीके से ये जो आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस अब जो सड़कों पर आई थी, जिस तरीके से परिवर्तन आ रहा है वो आपके सामने है और लगातार जिस तरीके से पुलिस लगातार जिस तरीके से सरकार से सवाल करने वालों को अंदर डाल दिया जाता है, जेलों में भर दिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। सामने तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से यूथ कांग्रेस की ये महिला थी और उनको ले जाया जा रहा है पुलिस की गाड़ी में। किस तरीके से वो शायद घायल हो गई है तो दिल्ली पुलिस जो है अपनी गाड़ी में लेकर गई है। सामने तस्वीरें हैं, ये पूरी पुलिस किसी आतंकवादियों को पकड़ने के लिए नहीं, ये पुलिस जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनके लिए खड़ी हुई है। सामने तस्वीरें हैं आपके सामने किस तरीके से इतनी मौजूदगी में है, यहाँ पर पुलिस मौजूद है और पूरी CRPF जो है जवान यहाँ पर सभी मौजूद है। और उसके बाद जो यहाँ दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था महंगाई को लेकर अब उसी के चलते यहाँ पर उन्हें डिटेन कर लिया गया है। अब जो है सरकार इस पर क्या फैसला लेती है ये सोचने वाली बात है। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लगातार जिस तरीके से खाने पीने की चीज़ों पर GST बढ़ाई गई है और वहीं हीरा जो है सस्ता कर दिया गया है तो सोचने वाली बात है। वहीं अनाज खाने पीने वाले लोगों के लिए अनाज महंगा हो गया है और हीरा सस्ता हो गया है तो ये बहुत दुखद है। और ये तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से लोगों को भर लिया गया। इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, मैं पूजा, दिल्ली।